मैं इस वक्त इंडिया गेट लॉन पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ लगा हुआ है हुनर हाट। हुनर हाट बेसिकली अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग यहाँ पे अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। अलग अलग यहाँ पे देश विदेश से भी आते हैं, लेकिन इस वक्त जो हुनर हाट लगा हुआ है यहाँ पे विभिन्न राज्यों से लोग अपने हुनर का प्रदर्शन करने आए हैं। अलग अलग स्टॉल से आए हुए हैं, कोई लखनऊ से आया हुआ है, चंडीगढ़ है, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से यहाँ पे आए हुए हैं। तो आइए हम अंदर चल कर देख लेते हैं कि वहाँ पे स्टॉल्स जो लगे हैं उनमें क्या खास है। मैं इस वक्त मिस्टर अल्फाज हुसैन के साथ खड़ा हुआ हूँ। वो वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं और अपने स्टॉल्स पर काफी खूबसूरत इन्होंने सलवार कमीज रखी हुई है। तो आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या इस जो हुनर हाट में इनके हुनर में क्या खास है। मेरा नाम मीर अल्फाज हुसैन, वेस्ट बंगाल हुगली से। मेरा गाँव का नाम है बबनाथ मंडल पारा, विलेज का नाम है। तो मैं बेड सेट, टेबल कवर, पिलो कवर, टेबल नैपकिन, राउंड टेबल सब कुछ लेके आया है। तो इसमें क्या खास क्या है अगर आप? खास तो है सर, मेरा बेड सेट का खास है। अच्छा, दिखाइए। क्योंकि सर बेड सेट जो है ना टोटली हैंड वर्क है सर, और इसमें डबल काम है। ये जो है ना सर फिटिंग है, देख लीजिए ये जो काम है फिटिंग है। ये भी धागा ना निकल के बनाना पड़ता है। हाँ, ये बड़ी बारीकी का काम लगता है। जी जी जी। तो ये तो सर ऑल इंडिया है, बल्कि ये विदेश में भी जाता है। जैसे हम चाइना में लेके गया था सर एग्जीबिशन, तो वहाँ भी अच्छा रिस्पांस मिला था। तो क्या इसके रेट क्या है, कितने से शुरू होते हैं? 1800 का है, 1500 का है, इसके साथ दो पिलो कवर भी मिलता है सर। जी, जी। अच्छा, अगर यहाँ पे दिल्ली के लोगों को खरीदना हो, क्योंकि आपका तो वेस्ट बंगाल में, अगर दिल्ली के लोगों को खरीदना हो, कुछ ऑनलाइन आप करवाते हैं या कैसे करवाते हैं? वो चल रहा सर, ऑनलाइन के लिए हम चल रहा था, कोशिश जारी है। तो कैसे, आपका कुछ फेसबुक है या कुछ ऐसा कुछ है जहाँ से हम खरीद सके इसको? फेसबुक तो है सर, व्हाट्सएप नंबर भी है। तो अगर आपको कॉल करके इसको किसी को मंगवाना हो तो? जी जी जी, कोई बात नहीं, हम तो हमेशा दिल्ली आता है सर। जी जी, हमेशा दिल्ली में। अभी मेरा 5 प्रोग्राम चल रहा है। इससे पहले भी किया था, एक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से किया था, EPCS से नाम से किया था, और प्रगति मैदान में मैं करके गया। प्रगति मैदान जो अभी हुआ है? जी जी जी। अच्छा। तो मैंने साल में 4-5 बार आते हैं। बहुत कस्टमर का हमारे पास नंबर है, अगर हम बुला लेते हैं, मैडम जी हम हुनर हाट में आया है, आप आ जाइए, बेडशीट लेके आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हम आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हुसैन जी। तो ये हुसैन जी थे, इन्होंने बताया कि ये सारा हैंडमेड क्राफ्ट है इनका। रीजनेबल प्राइस ज़्यादा नहीं है, 1500 से लेकर 1800 तक, 1200 का भी बता रहे हैं। तो रीजनेबल प्राइस है, अच्छा है, एक बार ट्राई ज़रूर करिए। मैं बनारस के एक स्टॉल है वहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे साथ हैं मोहम्मद अजीज़ुल हक जी। तो ये बनारस से आए हुए हैं अपना हुनर दिखाने। तो वैसे तो बनारस की साड़ियाँ बड़ी फेमस हैं, तो अजीज़ुल हक से जान लेते हैं कि ये अपना जो हुनर अभी दिखाने आए हैं तो इनमें क्या खास है, इस साड़ी में क्या खास है? सर मेरे को बताइए कि बनारसी साड़ी तो वैसे ही फेमस है। खास ऐसा है कि सब हाथों से बना हुआ होता है सर, सारी वीविंग जो है हाथों से हुई है, और मेन जरी का लुक जो है बनारस वाले हमेशा देते हैं। अच्छा, ये मेन खास बात है। जरी का काम और जगह भी बनते हैं, लेकिन ये लुक नहीं आता। आप भी देख रहे हैं, बस आप कैमरे पे दिखाएंगे, ये हाथ से बनाया हुआ है। जी, सब हाथों का है, पूरा हैंडवर्क का काम होता है ये बनारस में। और तो ये क्या प्राइस क्या रखते हैं आप इसकी? प्राइस आती है 7,500 रुपया है स्टार्टिंग हैंडवर्क की जो साड़ी है। बाकी मतलब हम लोग जो बनाते हैं 25,000 तक जाती है। तो ये साड़ियाँ जो हैं कैसे खरीद सकते हैं, अगर दिल्ली वाले चाहें और अदर देशों के राज्यों के चाहें तो कैसे खरीदें इसको? जैसे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, उससे लोग मंगाते रहते हैं। अभी बॉम्बे लगाए थे हम लोग, अहमदाबाद लगाए थे, तो जो माल हम लोगों से खरीदे थे उनको माल पसंद आया, कॉन्टेक्ट किया हमने, कुरियर कर दिया उनको। तो अच्छा, तो यहाँ पे वो कॉन्टेक्ट करते हैं आपसे, मतलब स्टॉल्स लगाते रहते होंगे अलग अलग राज्य? हाँ, बराबर इंडिया गवर्नमेंट भेजती रहती है, तो हम लोग हर जगह जाते हैं, अहमदाबाद गए थे, दिल्ली गए थे, लखनऊ गए थे, अभी दिल्ली में फिर आ गए। अच्छा, तो ये इंडिया गवर्नमेंट आपसे कुछ स्टॉल्स का रुपए उपए लेती है? नहीं, कैसे नहीं, क्या नहीं, है? फ्री ऑफ कॉस्ट है? एकदम फ्री है, सब कुछ फ्री है, DATA सब मिलता है। हाँ, सब कुछ मिलता है, एकदम सब कुछ फ्री है। अच्छा। ये अपने इंडिया गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हेल्प है, हम जैसे मतलब हुनरमंदों को उठाने का, मतलब तरक्की देने का, शिल्पकारों को, दस्तकारों को, सबको, ये बड़ा मतलब उन्होंने बहुत अच्छा योगदान है इंडिया गवर्नमेंट का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर इसका उद्देश्य और संदेश क्या है आप बताएं? हुनर हाट के माध्यम से
देश भर के दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों और हुनर के उस्तादों को मौका और मार्केट मुहैया कराने का एक बहुत बड़ा मिशन साबित हुआ है हुनर हाट। हुनर हाट दस्तकारों, शिल्पकारों के एम्पावरमेंट और सशक्तिकरण का एक क्रेडिबल ब्रांड साबित हुआ है और इन पिछले 3 सालों में हुनर हाट के माध्यम से दस्तकारी और शिल्पकारी के जो स्वदेशी हमारी विरासत है, जो कहीं ना कहीं लुप्त हो रही थी, उसको जो है वो प्रोत्साहन मिला है, उसको हौसला अफजाई हुई मिली है। और आने वाले दिनों में हमारा संकल्प है कि हम देश के हर हिस्से में हुनर हाट के आयोजन के माध्यम से दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों को रोज़गार और रोज़गार के मौके के साथ जोड़ सकें। हमने इसमें एक और सेक्शन रखा है बावर्ची खाना, जिसमें कि हमारे देश का, हमारे देश कहते हैं कि अनेकता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो हमारे देश में जो है वो हर क्षेत्र अलग अलग पकवानों, अलग अलग खान पान के संस्कृति से, संस्कार से भरा हुआ है और एक ही छत के नीचे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के पकवान मिल जाएंगे, जहां एक तरफ आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के दस्तकारी, शिल्पकारी के नायाब उत्पादन मिलेंगे, वहीं पे यहां पर आपको दस्तकारी, शिल्पकारी के साथ साथ जो है वो पकवान जो है हमारे उस बावर्ची खाने सेक्शन में मिलेंगे। और शाम को जो है हमारे देश की जो संगीत और सुर की विरासत है उसका भी जो है वो आप अनुभव कर सकते हैं। सर, एंट्री फीस जो यहाँ पे लोग आएंगे, क्या उनको कुछ एंट्री, ये बिल्कुल एंट्री फ्री है, एंट्री फीस बिल्कुल नहीं है इसमें। जो हमारे यहाँ देश भर से दस्तकार, शिल्पकार आते हैं उनको भी कोई फ्री स्टॉल दिया जाता है, केवल फ्री ही स्टॉल नहीं दिया जाता बल्कि उनको TADA भी दिया जाता है, ताकि जो है वो बहुत पूरे जुनून और जज्बे के साथ उत्पादन अपना करें और आए। और एक दस्तकार, शिल्पकार जब उत्पादन करने बैठता है तो उसके साथ जो है वो 70 से 100 लोग उसमें लग जाते हैं। और क्योंकि हम हर महीने में, अभी इस समय जो है जब हम यहाँ पर इंडिया गेट पे हुनर हाट का शुभारंभ कर रहे हैं, तो इसी समय इंदौर में भी हुनर हाट हो रहा है हमारा, आने वाले दिनों में चंडीगढ़ में होगा, आने वाले दिनों में रांची में होगा, भुवनेश्वर में होगा, देश का हर हिस्से में हुनर हाट का आयोजन होगा। और इससे एक बहुत ही ये दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों का एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज साबित होगा। सर, दूसरे देशों के साथ भी सहयोग हो रहा है, जैसा बताया गया ईरान के साथ, ईरान की जो दस्तकारी है वो बहुत मशहूर है। बिल्कुल, भारत कितना सहयोग कर रहा है ईरान, हम ईरान हो या देश के और हिस्से हो, उज्बेकिस्तान हो या देश के और अलग अलग हिस्से हैं, उनसे भी जो है हमारा सहयोग, और हमारे जो दस्तकार हैं वहाँ पर अपने प्रोडक्ट कर सकें और उनके दस्तकार यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट कर सकें, ये हमारी कोशिश है। और इस संबंध में जो हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मिल के इसको आगे बढ़ाएगी। मैं इस वक्त एक स्टॉल पे आया हूँ जहाँ पे ग्लास टॉयज बड़े ही खूबसूरत मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं कि ये क्या हैंडमेड है, कैसे है? आप मेरे को ये बताइए, ये हैंडमेड है, कैसे बनाए गए इसको? ये ग्लास टॉयज है, LPG और ऑक्सीजन गैस और कांच की रॉड जो होती है, हम इसका इस्तेमाल करके और कांच को गला कर अपने शेप देते हैं। जिस तरीके से हम बनाते हैं उसी का हिसाब से हम शेप देते रहते हैं, तो उसी से बनता है और कलर अटैच करते हैं। तो क्या इनके रेट्स क्या होंगे, मतलब कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ से ख़त्म होती है, कितने रेट्स? जैसे शुरुआत में स्टार्टिंग में ये 150 से है, ये फिर यहाँ से ये 200 का है, ये 300 का है, ये 500 में, जैसे ये 1000 है, ये 500, ये बल्कि कहते हैं 1500। ये कैसे ले सकते हैं, मेरे को लेना हो या दिल्ली वासियों को या कई अन्य राज्यों को लेना हो तो वो कैसे ले सकते हैं? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल करिए, हम आपको जो, हम व्हाट्सएप भी कर देंगे, जो आपको पसंद हो उसी हिसाब से हम आपको पार्सल कर देंगे। 8439117372। थैंक यू सो मच। ये बताया इन्होंने, जो नंबर बताया इस पर आप कांटेक्ट करके यहाँ से अगर आपको ग्लास टॉयज लेने हैं तो इस पर कांटेक्ट करिए और ये वहाँ से आपको पार्सल कर देंगे। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हुनर हाट में कई जगह से, कई राज्यों से लोग आए हुए हैं। यहाँ पे बावर्ची खाना एक अलग सेक्शन है, जो कि हमें मुख्तार अब्बास नकवी जी ने बताया कि यहाँ पे एक अलग सेक्शन उन्होंने बावर्ची खाना बनाया हुआ है। यहाँ पे जो स्टॉल्स लगवाए हुए हैं वो शिल्पकारों, दस्तकारों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में काम करेगा।
और भी कई चीज़ें उन्होंने बताई कि यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स लगे हुए हैं वो पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, सिर्फ उनको DA वो भी मुहैया कराती है सरकार। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है भारत सरकार का कि वो जो अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हुए हैं अपने हुनर को दिखाने, तो उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं रोहित वर्मा, मीडिया दरबार, दिल्ली।